नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जीआरएससी स्टॉक के बारे में, गार्डन रिच शिपयार्ड बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कंपनी के बारे में। दोस्तों अभी के टाइम देखा जाए तो स्टॉक यहाँ पे रॉकेट बन चुका है। बहुत टाइम पहले मैंने आपको अपडेट दिया था जब इलेक्शंस थे, इलेक्शन से पहले दोस्तों मैंने आपको ये स्टॉक बताया था एंड अभी के टाइम स्टॉक जो ऑलमोस्ट हमें उस प्राइस से डबल होते हुए देखने को मिल चुका है। यूट्यूब पे भी मैंने आपको अपडेट दिया एंड उसी के साथ साथ दोस्तों टेलीग्राम पे भी मैंने आपको अपडेट दिया था। अभी के दिन आज के दिन दोस्तों अगर बात की जाए तो सुबह के टाइम जैसे ही मार्केट ओपन हुआ तो मार्केट ओपन होते ही 10 से 15 मिनट बाद एक बहुत ही अच्छी न्यूज आई एंड जैसे ही यहाँ पर न्यूज आई स्टॉक तुरंत रॉकेट बन गया। न्यूज क्या थी, कंपनी को एक बहुत ही अच्छा ऑर्डर मिला, बिग ऑर्डर कंपनी को मिला एंड उसी ऑर्डर की वजह से स्टॉक में आज के दिन हमें 10% की तेजी जो है वो देखने को मिली। एंड जैसा कि दोस्तों टेलीग्राम का भी मैं आपको बता देता हूं, तो जैसा कि दोस्तों यहां पे आप देख सकते हो 22 मई को मैंने आपको अपडेट दिया था कि जीआरएससी जो है दोस्तों यहां पर मैंने आपको इलेक्शन व्यू के हिसाब से बताया था। स्टॉक का नाम दोस्तों जीआरएससी 1190 रुपए के प्राइस पे स्टॉक मैंने आपको बताया था। वहां पे स्टॉक में यहां पर 1100 एंड 1200 के बीच में कहीं भी हम एंट्री बना सकते हैं। इलेक्शन तक मेरा जो मानना था कि दोस्तों 1600 से 1800 तक जाएगा। जो कोचिन शिपयार्ड में मिस किए वो इसमें आ सकते हैं एंड अगर इसका दिमाग खराब हुआ तो ये जो स्टॉक है वो 2000 का लेवल भी दिखा देगा, जैसा कि यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। ये ट्रेड ओनली फॉर एजुकेशन व्यू के हिसाब से थी तो अभी के टाइम देख सकते हो 2000 के ऊपर भी ये स्टॉक जा चुका है। ओनली फॉर यहाँ पर हमें 1 मंथ के आसपास होते हुए देखने को मिला, अच्छे रिटर्न हमने यहाँ पे बनाए एंड उसी के साथ साथ क्या हमें यहाँ पे अभी प्रॉफिट को बुक करना चाहिए? जिन लोगों ने इन प्राइस पे बाई किया है तो क्या हमें यहाँ पे अपने प्रॉफिट को बुक करना चाहिए, वो इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। बाकी दोस्तों आप चाहे तो टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हो, लिंक आपको टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लास्ट 5 डेज की अगर मैं बात करूं तो 29% तक ये जो स्टॉक है वो जंप किया है। लास्ट 1 मंथ की बात की जाए तो 62% भागा है। 6 मंथ अगर देखा जाए तो यहाँ पे 163% तक के रिटर्न्स देखने को मिले। वही दोस्तों 1 ईयर की बात करूं तो 300% तक स्टॉक हमें जंप करते हुए देखने को मिला है। अगर आप 5 ईयर का देखेंगे तो 1800% तक स्टॉक ने हमें रिटर्न निकाल के दिए, बट यहाँ पे रिटर्न जो सबसे ज़्यादा बना है वो यहाँ पे 2024 में मार्च एंड फरवरी महीने के बाद हमें देखने को मिला है। जब इतने कम टाइम में जब इतना बड़ा मूव आया है तो क्या यहां पे बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है? क्योंकि दोस्तों स्टॉक में बहुत बड़ी तेजी भी देखने को मिल चुकी है और कंपनी का पीई भी धीरे धीरे हाई हो रहा है, आरएसआई भी हाई हो रहा है, तो क्या यहां पर हमें अभी सेफ प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए या फिर इसको ऐसे ही लॉन्ग टर्म पर्पस के हिसाब से रख देना चाहिए, वो भी हम जानेंगे। सबसे पहले आज का डेटा चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों जीआरएससी में अगर देखा जाए तो स्टॉक आपका ओपन होता है 2100-2700 रुपये के प्राइस पे और उसी के साथ साथ हाई लगाता है 2309 का। वहीं अभी के टाइम स्टॉक ट्रेड कर रहा है एंड वहीं अगर मैं वॉल्यूम्स की बात करूं तो 82 लाख क्वांटिटी का हमें वॉल्यूम देखने को मिलता है जिसमें डिलीवरी हो रही है 22%। मैक्सिमम लोग क्या कर रहे हैं, इंट्राडे में पैसा बना रहे हैं और यहां से निकल रहे हैं, कोई भी मतलब कि कल के लिए होल्ड नहीं कर रहा है। इसका जो प्राइस बैंड है वो हमें देखने को मिल रहा है 10%। अगर ये स्टॉक 2 बार 10-10% का अपर सर्किट लगाता है तो ऐसे में कंपनी जो है उसकी लिमिट चेंज होकर 5% की हमें देखने को मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हम डिस्कशन कर लेते हैं कंपनी के ऑर्डर्स के बारे में कि कितना बड़ा ऑर्डर मिला है कंपनी को, क्योंकि रिसेंटली हमें 1 जुलाई सुबह के टाइम हमें ये जो है अपडेट देखने को मिली। जैसे ही मार्केट ओपन हुआ तो 10 से 15 मिनट बाद ये जो है हमें अपडेट नज़र आ चुकी थी। उसके बाद जैसे ही यहाँ पर जो ये अपडेट आई और स्टॉक रॉकेट बनते हुए देखने को मिल गया। देखिए कंपनी को यहाँ पे एक ऑर्डर मिला है जो कि 21 मिलियन USD का ऑर्डर है, $21 मिलियन का यहाँ पे हमें ऑर्डर देखने को मिल रहा है, जिसकी अगर मैं बात करूँ दोस्तों यहाँ पे इंडियन रुपीज़ में तो ये ऑलमोस्ट यहाँ पे 170 करोड़ के आसपास का इंडियन करेंसी का ऑर्डर हमें देखने को मिल रहा है। 170 करोड़ रुपये 180 करोड़ रुपये तक का कंपनी को हमें ऑर्डर मिलते हुए नज़र आ रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला कि जीआरएससी में कंपनी को ऑर्डर मिला, शेयर भागा एंड आज अगेन ऑर्डर मिला, अगेन स्टॉक में तेजी देखने को मिली। ये जो कंपनी है वो शिपयार्ड का काम करती है, रिपेयरिंग एंड उसी के साथ साथ नेवी में जो भी दोस्तों रिपेयरिंग का एंड शिपयार्ड बिल्डिंग का जो भी यहाँ पर काम होता है वो करती है। अभी के टाइम अगर देखा जाए तो अपने सेगमेंट में दोस्तों बड़े लेवल पे ये कंपनी है। उसी के साथ साथ यहाँ पे शिप बिल्डिंग सेगमेंट से कंपनी का 89% रेवेन्यू जो है वो आता है। उसी के साथ साथ इंपॉर्टेंट चीज़ की जो है गवर्नमेंट कंपनी और सबसे बड़ी बात अगर इसकी ऑर्डर बुक की बात की जाए तो यहाँ पर जीआरएससी के पास जो इसकी ऑर्डर बुक हमें दिख रही है वो है 23,592 करोड़ की, जो कि फाइनेंशियल ईयर Q3 24 में हमें देखने को मिली। बट अभी के टाइम यहाँ पर रिसेंटली 3 महीने पहले की ऑर्डर बुक है, बट अभी 3 महीने में कंपनी को बहुत सारे ऑर्डर मिले हैं, तो आई होप कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो बढ़ के
25,000 करोड़ के आसपास हो चुकी होगी। तो यहाँ पर कंपनी की जो ऑर्डर बुक है, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो 25,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है, तो ऐसे में अगर आप कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो वो तो 26,000 करोड़ का है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो कंपनी के मार्केट कैप के बराबर हमें देखने को मिल रही है, जिससे हमें ये पता चल रहा है कि कंपनी के लिए काम की कोई कमी नहीं है। आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छे काम कंपनी के लिए है और कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा। कंपनी का पीई अभी पहुँच चुका है 73 का, और उसी के साथ साथ आरओई आरओसी बेटर है 28-23। और अगर आप कंपैरिजन चेक करेंगे यहाँ पे कोचिन शिपयार्ड एंड जीआरएससी में, तो हमें देखने को मिल रहा है दोनों टॉप पे कंपनियाँ हैं, और उसी के साथ साथ पीई के मामले में जीआरएससी का पीई जो है वो कोचिन से हमें थोड़ा बहुत हाई जाते हुए देखने को मिल रहा है। बट जीआरएससी का जो आरओई है वो भी यहाँ पे बेटर वर्क कर रहा है। कोचिन का कितना है, 21 है, बट जीआरएससी का 28 है। इस वजह से जीआरएससी को जो है वो हमें ज़्यादा वैल्यू जो है वो देखने को मिल रही है। उसी के साथ साथ अगर देखा जाए डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट जीआरएससी का कम है, कोचिन का कितना है 0.10, बट जीआरएससी का कितना है 0.04 का ही डेट है। तो ऐसे में मतलब डेट के मामले में भी यहाँ पे जीआरएससी का डेट जो है वो कम है। दूसरी तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि जीआरएससी में हमें क्या देखने को मिल रहा है, कोचिन का जो प्रोमोटर होल्डिंग है वो हमें क्या देखने को मिल रहा है 72.86%, बट जीआरएससी में हमें दिख रहा है 74.50%। आंकड़े जो है ओवरऑल अगर देखा जाए ग्रोथ के मामले में तो जीआरएससी के थोड़े बेटर दिख रहे हैं, और वैल्यूएशन के हिसाब से दोनों सेम वैल्यूएशन भी अभी खड़ी है, क्योंकि कोचिन का भी पी 73 है, इसका भी पी 73 है। कंपनी यहाँ पर जो है रिसेंटली अभी के टाइम एक साल में कंपनी ने अच्छा ग्रो किया है। पहले तो ओवरऑल एवरेज कंपनी का रेवेन्यू था 1100-1300 करोड़ के आसपास, बट अभी यहाँ पे अच्छी ग्रोथ दिखी है। कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी अभी हमें अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है, और उसी के साथ साथ बैलेंस शीट में भी इजाफा हुआ है। 10,200 करोड़ का एसेट पहुँच चुका है। इन्वेस्टर्स में एफआई एंड डीआई वालों की होल्डिंग्स भी हमें अच्छी दिख रही है। तो स्टॉक में अभी हमें आगे का क्या व्यू रखना चाहिए? देखिए दोस्तों, कंपनियां फाइनेंशियली तो हमें अच्छी देखने को मिल रही है, कंपनी के बैलेंस शीट अच्छे हैं, फाइनेंशियल अच्छे हैं, तो क्या यहाँ पे आगे हमें कंटिन्यू रखना चाहिए? देखिए अगर बात की जाए तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म पर्पस के हिसाब से अगर है तो स्टॉक में बहुत ही बड़ा जंप आ चुका है ऑलरेडी। जैसा कि अगर यहाँ पर मैं आरएसआई के हिसाब से भी बात करूँ, तो आरएसआई के हिसाब से जब जब इस स्टॉक का आरएसआई 80-85 के आसपास जाता है तो वहाँ से सेलिंग आ ही जाती है। जैसे अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आरएसआई 80 के आसपास गया, गिरा, यहाँ पे गया गिरा, यहाँ पे गया गिरा, यहाँ पे गया फिर गिर गया, यहाँ पे गया गिरा। तो अगेन यहाँ पे अभी के टाइम कितने पे चल रहा है इसका आरएसई, 80 पे चल रहा है। तो जीआरएसई का आरएसई 80 पे है तो एक सेलिंग बन सकती है। दूसरी बात अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट दिया स्टॉक ने, रॉकेट बना। अगेन क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे हमें ये रजिस्टेंट था, इसका ब्रेकआउट दिया, रॉकेट बना। उसके बाद हमें क्या देखने को मिला कि ये रजिस्टेंट था, इसका ब्रेकआउट दिया, रॉकेट बना, बट यहाँ पे अभी रीटेस्ट होना बाकी है। तो अभी के टाइम रीटेस्ट यहाँ पे दोस्तों हो सकता है। यहाँ पे अभी के टाइम आरएसआई भी हाई है, पीई भी एक हायर लेवल पे पहुंच चुका है, उसी के साथ साथ तेजी भी आ चुकी है, बट यहाँ पे जो भी जंप आया है इसमें डिलीवरी बहुत कम है। तो हमें यहाँ पे फ्रेश एंट्री के लिए तो थोड़ा बहुत रिस्क दिख रहा है। फ्रेश एंट्री में देखिए ऐसा नहीं है कि स्टॉक यहाँ से कंफर्म गिरेगा, जाने को ये स्टॉक 2500 भी जा सकता है, बट रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से यहाँ पे ट्रेड नहीं बनती है, क्योंकि यहाँ पे अपना रिवॉर्ड कितना है, जाने को यहाँ से कितना 2400 से 2500 जाएगा, बट गिरने को ये स्टॉक अगेन 2000 का लेवल दिखा सकता है। तो जो रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो है वो यहाँ पे फेवर में नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी है ठीक, बट यहाँ पर अभी के टाइम जो है एंट्री बनाना थोड़ा बहुत रिस्की जो है वो हमारे लिए हो सकता है। 10% का अपर सर्किट है, बट जिन लोगों ने पहले से बाई किया हुआ है वो यहाँ पे एसएल को ट्रेल कीजिए। अभी के टाइम जैसे जैसे शेयर ऊपर जा रहा है, अभी यहाँ पे हम 2200 का एक एसएल रख सकते हैं और आगे हम 2400 का वेट कर सकते हैं, पर फ्रेश एंट्री यहाँ पे नहीं करनी चाहिए। फ्रेश एंट्री कब करने कर सकते हैं, जब ये स्टॉक एक अच्छा खासा 10-15% का डिप दिखाए तो वहाँ पे हम एंट्री बना सकते हैं, बट अभी यहाँ पर क्या है, हम ओनली फॉर एसएल को ट्रेल करके आगे बढ़ सकते हैं, एसएल को ट्रेल करके आगे बढ़ सकते हैं जिन लोगों ने पहले बाई किया हुआ है। बट फ्रेश एंट्री के लिए अभी नॉर्मली हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आरएसआई इसका हाई है।